सो हे गाइस व्हाट्सअप। सो गाइस आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ पर किस तरह से इंस्टाग्राम का ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली यहाँ पर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश सॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप किस तरह से यहाँ पर आप सारे इंडियन सॉन्ग्स को भी इजिली यहाँ से इंस्टाग्राम की स्टोरी के सर्च में इजिली पा सकते हो। सो ये प्रॉब्लम अभी काफ़ी सारे यहाँ पर इंडियन यूजर्स फेस कर रहे हैं, ओनली यहाँ पर सभी इंग्लिश सॉन्ग्स शो करें। सो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ, 100% सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए यहाँ पर आप एक वीडियो को लाइक तो बनता है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जाना है बैक। तो जैसे यहाँ पर आप बैक जाओगे, बैक जाने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या करनी है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर इस जो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, उसके अबाउट सेक्शन में जाना है। तो जैसे यहाँ पर आप एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो स्टोरेज के सेक्शन में जाना है। स्टोरेज के सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, क्लियर कैश के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन का जो मतलब जो पुराना वेस्ट डेटा है उसको क्लियर करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं क्लियर कैश करता हूँ, जो भी यहाँ पर वेस्ट डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। ओके तो ये हो गई पहली चीज़। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है इंस्टाग्राम पे। तो सेकंड स्टेप है जाना है आपको इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि प्ले स्टोर पर आपका इंस्टाग्राम अपडेटेड है या नहीं। अपडेटेड नहीं है तो जाओ अपडेट करो। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ अपना जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो सिंपली यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को कर देता हूँ अपडेट। तो यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम अपडेट होने के बाद वर्क करता है क्या नहीं। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। आपको जाना है अपना जो इंस्टाग्राम प्ले स्टोर है वहाँ से जाके अपडेट चेक करना है। अगर अपडेट नहीं है तो सबसे पहले जाना है इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है अपडेट करना है प्ले स्टोर के थ्रू। सो जैसे यहाँ पर आप एप्लीकेशन को अपडेट करोगे तो हम यहाँ पर वेट करते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है अपडेटिंग प्रोसेस में है। तो इंस्टॉल हो रहा है, रीइंस्टॉल हमारा एप्लीकेशन हो रहा है इंस्टाग्राम का। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा इंस्टाग्राम है उसको यहाँ पर फिर से इंस्टॉल करते हैं। सो फाइनली यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम इंस्टॉल हो चुका है। सो अभी हम यहाँ पर एप्लीकेशन को करते हैं ओपन। तो जैसे यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, सो जैसे हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन किया इंस्टाग्राम के, तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या नहीं। तो अभी हम जाएंगे स्टोरी सेक्शन में। स्टोरी सेक्शन में जाने के बाद कोई भी एक पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर म्यूज़िक लगाने को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम अभी यहाँ पर हिंदी सॉन्ग सर्च करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एलविश के सॉन्ग को सर्च करेंगे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 100% जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, जो यहाँ पर एलविश के सॉन्ग से आ चुके हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हिंदी सॉन्ग भी प्ले हो चुके हैं। सो आप भी कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो कर सको। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो थर्ड फाइनल स्टेप है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। सो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है अपने प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको यहाँ पर हेल्प सेक्शन में जाना है। हेल्प सेक्शन में जाने के बाद एक रिपोर्ट या प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अभी यहाँ पर हम रिपोर्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि यहाँ पर हमको रिपोर्ट का प्रॉब्लम आ चुका है, सो अभी हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट पे हम यहाँ पर इंक्लूडिंग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम रिपोर्ट करने वाले हैं। सो रिपोर्ट करने में हम यहाँ पर टाइप करेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन नो हिंदी सॉन्ग्स अवेलेबल, प्लीज़ फिक्स द प्रॉब्लम। सो कुछ आपको इस तरह से टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ सेम टू सेम इस तरह से टाइप करना है। अपने जो इंस्टाग्राम में रिपोर्ट कर रहे हो उसको कुछ इस तरह से आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पर आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद सेम सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद जो आपकी रिपोर्ट है यहाँ पर मतलब सबमिट हो जाएगी। 99.9% आपका जो प्रॉब्लम है ये वीडियो को देखने के बाद 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको आके
मुझे फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद यहाँ पे आपको मुझे आगे टेक्स्ट करना है, मैं आपको हेल्प करूँगा किस तरह आप इस प्रॉब्लम को छुटकारा पा सकते हो। तो 99.9% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।